मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर, राइट। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशंस है उसके ऊपर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। जैसे अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ, यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ कि भाई कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर कैसे निकाला जा सकता है, राइट। जो कि आपका बायोट सवार्ट्स लॉ है, जो कि बताता है यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मैं जैसा कि हमेशा कहता ही रहता हूँ कि पूरे दिमाग लगा करके ध्यान से इंटरेस्ट लेके आप लोग पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी काफ़ी आपके लिए भी ज़रूरी है और हमारी सोसाइटी के लिए भी ज़रूरी है, हमारी कंट्री के लिए भी ज़रूरी है, राइट। तो ये बहुत मतलब ज़रूरी है, समझ लीजिए बात को, राइट। और सही कहता ही रहता हूँ कि भाई कि जितने लेक्चर्स हैं हमारे चैनल पे अवेलेबल, उन सारे लेक्चर्स को आप जो है अपनी पढ़ाई के लिए यूज कीजिए। लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताते रहिए, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि जो जो भी नए वीडियो लेक्चर्स हमारे पास आते हैं और यदि उसे अपलोड करें तो वो आपके पास डायरेक्टली उसका नोटिस आपके पास आया करें, राइट। बढ़ते हैं अब यहाँ पे भाई कि बायो सवार्ट्स लॉ होता क्या है। ये आखिरकार ये बताता है कि किस तरीके से हम लोग एक करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो सपोज मैं एक करंट कैरिंग वायर ले लेता हूँ, सपोज ये जैसे करंट कैरिंग वायर आपको दिख ही रहा है, तो इस करंट कैरिंग वायर का एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे सबसे पहले, और उस डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो जो एक्सप्रेशन है वही लॉ कहलाता है। तो सपोज मैं यहां पे एक ये ले लिया डिफरेंशियल एलिमेंट जो कि डीएल वेक्टर है। डीएल वेक्टर का डायरेक्शन और जो करंट का डायरेक्शन दोनों कोइंसाइड करता है। जो भी आप एलिमेंट लेंगे उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, वो टेंजेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट होनी चाहिए, वही डायरेक्शन बेसिकली यहाँ पे डीएल वेक्टर का होता है। तो यदि मैं किसी पॉइंट पी पे, इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहता हूँ जो कि यहाँ पे आर वेक्टर पे है, तो यहाँ पे मैं डीवी वेक्टर लिखूंगा बेसिकली म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r डिवाइडेड बाय r क्यूब। समझिए बात को, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r डिवाइडेड बाय r क्यूब। दिस इज कॉल्ड द बेसिकली बायोट सवार्ट्स लॉ, जो कि यहाँ पे फंडामेंटली हम लोग डिराइव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेसिकली कंसेप्चुअल तरीके से हम लोग डिराइव करते हैं यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे R वेक्टर क्या है, R वेक्टर है पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू दिस डिफरेंशियल एलिमेंट। ये जो R दिख रहा है ये R वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, I आपको पता है कि करंट है, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू जो होती है यहाँ पे 10⁻⁷ SI यूनिट होती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है जिसका यूनिट आपको पता है कि टेस्ला होता है, SI यूनिट इसका टेस्ला होता है, राइट। अब यहाँ पे ये वाली बात आ गई, यदि मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा, डीवी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, ये तो डायरेक्शन के साथ सारी बात कर रहा है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल इंटू आर इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई आर क्यूब लिखा जाएगा, क्योंकि ए क्रॉस भी आपको पता है कि ए बी साइन थीटा होता है। डी एल एंड आर वेक्टर के बीच में ये एंगल आपका जो है यहाँ पे थीटा है, राइट। तो डी आई डी एल आर साइन थीटा बाय आर क्यूब। अब यहाँ पे आर एक आर ये कैंसल आउट हो जाएगा, और इसके बेसिस पे आपका आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये आपका बायोट सवार्ट्स लॉ है, जो कि यूज करा जाता है किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, फंडामेंटल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये लॉ काफी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसी लॉ का यूज करके हम लोग यहाँ पे एक सर्कुलर लूप होती है, राइट। सर्कुलर लूप मतलब एक लूप ले लीजिए आप, उसके अंदर करंट आई को फ्लो करा दीजिए, तो उसकी वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर भी निकाल सकते हैं, ऑन द एक्सिस भी निकाल सकते हैं, फिर इसके बाद एक करंट कैरिंग वायर की वजह से भी निकाल सकते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। तो अब निकालने का तरीका क्या होगा, इस बात को समझ लिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कोई भी करंट कैरिंग वायर का एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे, उस डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से कंसर्न्ड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, फिर देखेंगे क्या उस मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होगा या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कंपोनेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कंपोनेंट कैसे होगा, क्यों होगा या नहीं होगा, कब होगा या नहीं होगा, ये बात कैसे पता चलेगी, तो हम लोग कहेंगे कि भाई कि एक और एलिमेंट ले लेंगे डिफरेंशियल एलिमेंट, उसकी वजह से उसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। यदि उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही रहा जो पहले वाले का है, और इनफैक्ट हर एक डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही रहा जो कि हर एलिमेंट की वजह से है, तो उस केस में क्या होगा कि कंपोनेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ती है,
समझिए बात को, मैं भी जो बात कर रहा हूँ वो काफी की पॉइंट है, दिमाग दिमाग लगा के सुनिए बात को, मेरी बात को ध्यान से सुनिए बात को, कि कभी हम लोग कंपोनेंट लेते हैं कभी नहीं लेते हैं। कंपोनेंट कब लेते हैं, तब लेते हैं जब हर एक डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग हो जाए, तब तो कंपोनेंट लेना पड़ेगा। यदि नहीं हो रहा है, एक ही डायरेक्शन है, तो बिना कंपोनेंट लिए हम लोग सीधा इंटीग्रेट कर देंगे बाय टेकिंग प्रॉपर लिमिट्स। ये बेसिक अप्रोच मैंने बताया आपको, ये जो अप्रोच मैं आपको बताया, यदि इस अप्रोच को ध्यान में रखते हैं तो किसी भी करंट कैरिंग वायर का इस लॉ का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड निकाला जा सकता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यदि एक सर्कुलर लूप है जिसके अंदर सपोज नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है, और मैं सेंटर पे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं, उस लूप में करंट आई फ्लो कर रहा है राइट, और जो है रेडियस उस लूप की आर है, तो समझिए बात को यहाँ पे। और ऐसा करते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स यदि एन ना लेकर के मैं एक ही टर्न ले लेता हूं, बाद में उसको जनरलाइज कर देंगे। ध्यान दीजिए बात को यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा बात को, काफी काफी इंपॉर्टेंट है ये बात कि भाई कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ले लिया हमने, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ले लिया। अब इसमें करंट कैसे बनाया जाता है, ये ऐसे दे दी जाती है करंट आई राइट, और यहां से ऐसे आई निकल रही है यहां पे कोई भी, ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है राइट, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। तो जिसको मैं ऐसे दिखा देता हूं, पूरा एक लूप ही दिखा देता हूं, करंट कैरिंग आई राइट, ये पॉइंट है। अब यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो करंट आई यहाँ पे आपका बेसिकली क्लॉकवाइज सेंस में है। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि एक डिफरेंशियल एलिमेंट ले लीजिए, तो सबसे पहले एक डिफरेंशियल एलिमेंट ले लेते हैं। डिफरेंशियल एलिमेंट डीएल वेक्टर इधर है, आपको दिख ही रहा है, और इस पॉइंट पी पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं, तो आर वेक्टर यहाँ पे ये हो गया, ये आर वेक्टर हो गया। अब क्या कहता है यहां पे कि डीएल वेक्टर, ये डीएल वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, इनके बीच में एंगल कितना है बताइए, 90 डिग्री। तो अभी बात क्या हुई थी कि मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होती है वो आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर होती है, आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो सिंपल सी बात है रेडियस ऑफ द लूप होगा, रेडियस ऑफ द लूप होगा। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो बायो सावर्ट्स लॉ भी हमने लिखा आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, तो यहाँ पे डी बी इसका लिख देते हैं आई डी एल, अच्छा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई तो लिखना पड़ेगा, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई इंटू डी एल, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस टू, 90 डिग्री, तो साइन 90 विल बी सिंपली 1, आपको पता ही है। तो आई डी एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आई डी एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर राइट, ये पॉइंट है यहाँ पे। और यदि आप यहाँ पे इसका देखना चाहते हैं डायरेक्शन, तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट जो ए क्रॉस बी है उसके हिसाब से देते हैं, राइट हैंड रूल आपको पता ही होगा कि यदि वेक्टर ए और बी जिस भी प्लेन में लाइक कर रहा है, हमें अपने हाथ को राइट हैंड को उस प्लेन के परपेंडिकुलर रखना है। तो वही वाली बात करेंगे यहाँ पे कि ये आप देखिए डीएल वेक्टर और आर वेक्टर, तो हम लोग क्या करेंगे अपने राइट हैंड को इस प्लेन के परपेंडिकुलर रखेंगे। देखिए ऐसे परपेंडिकुलर रख दिया, अब कर्ल कर दिया तो इनवर्ड जा रहा है, समझिए बात को, इनवर्ड जा रहा है। और इनफैक्ट जो है आप देखेंगे यहाँ पे तो हर एक की वजह से, देखिए डीएल वेक्टर ऐसे, आर वेक्टर ऐसे, तो ऐसे किया तो इनवर्ड जा रहा है राइट, इनवर्ड जा रहा है, डीएल से आर की ओर कर्ल करना है, डीएल से आर की ओर कर्ल करना है, समझिए बात को। ये डीएल वेक्टर, ये आर वेक्टर है, तो आप अपने राइट हैंड को इस प्लेन के परपेंडिकुलर रखेंगे। तो यदि प्लेन के परपेंडिकुलर रखेंगे अपने राइट हैंड को, आप उसको कर्ल करेंगे, तो बेसिकली यहां पे देखिए कर्ल किया ऐसे, देखिए अंगूठा अंदर को जा रहा है ऐसे राइट, ये चीज है। तो डीएल से आर की ओर कर्ल करने के बाद चूंकि अंगूठा अंदर को जा रहा है, तो हम लोग कहेंगे यहां पे कि मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे इनवर्ड है। और इनफैक्ट हर एक एलिमेंट की वजह से, अभी हमने करके देखा ना, हर एक एलिमेंट की वजह से, जैसे ये देखिए डीएल वेक्टर है इसका, ये देखिए यहाँ पे, इधर यहाँ पे देखेंगे ये डीएल वेक्टर है जी, ये आर वेक्टर है, तो यदि ऐसे करेंगे तो देखिए इनवर्ड जा रहा है। तो हर एक एलिमेंट की वजह से यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इसलिए कंपोनेंट की कोई जरूरत नहीं है। तो बिना कंपोनेंट लिए सीधा इंटीग्रेट कर देते हैं, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी विल बी इक्वल टू, सिंपल सी बात है। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है पूरे फिजिकल साइंस के लिए राइट। तो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेट करते ये देखना होता है कि कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है, कौन सी वेरिएबल है। ऑब्वियस बात है डीएल के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई कांस्टेंट है, ये आर भी कांस्टेंट है, क्योंकि यहां से हर जगह का डिस्टेंस कितनी है, बेसिकली आर ही है,
रेडियस ऑफ द लूप है तो आई तो कांस्टेंट है ही, तो म्यू नॉट अपॉन डीएल के रिस्पेक्ट में आई कांस्टेंट है ही, तो म्यू नॉट अपॉन 4 बाय आई बाय आर स्क्वायर बाहर कर दिया, डीएल पे इंटीग्रेट किया। डीएल को जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो इट विल बी द टोटल पाथ लेंथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि डीएल वेक्टर को इंटीग्रेट करते हैं तो इट इज द बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, और डीएल स्केलर को इंटीग्रेट करते, डीएल सिंपल सी बात है इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इट इज अ टोटल पाथ लेंथ, और टोटल पाथ लेंथ यदि सिंगल लूप हुआ तो 2 पाई आर होगा, और यदि एन नंबर ऑफ लूप्स हुआ तो एन इंटू 2 पाई आर होगा। समझ रहे बात को, यदि एक सिंगल लूप हुआ तो इसकी पाथ कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी, 2 पाई आर होगी। यदि इसी के ऊपर एन नंबर ऑफ लूप्स है, एन नंबर ऑफ लूप्स सबकी रेडियस एक ही है तो एन इंटू 2 पाई आर होगा। तो इस तरीके से यहां पे हमने बात करा कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर इंटू एन इंटू 2 पाई आर, कैंसिल आउट कर दीजिए एक आर को और मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई डिवाइड बाय आर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। फाइनली हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो आ जाएगा ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई डिवाइड बाय रेडियस आर, राइट। यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे रेडियस आर, समझिए बात को, आर इज द रेडियस ऑफ द लूप, एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ईच टर्न हैज द सेम रेडियस, राइट, आई इज द करंट, दिस वन इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। काफी काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझें, ये काफी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डेरिवेशन हमने डिस्कस किया है, राइट। तो यही आता है भाई कि बायो सावर्ट्स लॉ का कहेगा कि भाई कि आप लिख दीजिए, और साथ में यूजिंग द बायो सावर्ट्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड जो इसका है वो डिराइव कीजिए, काफी काफी इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं आगे, और आगे हम लोग अब बात करेंगे ये कि भाई कि और किस तरीके से यहाँ पे मैग्नेट फील्ड निकाली जा सकती है। अब एक और लॉ है, एम्पियर्स लूप लॉ है, जो कि क्या है भाई कि बायो सावर्ट्स लॉ कई दफे क्या होता है कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कुछ कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना। हालांकि इस लॉ को यूज करके हर जगह पे निकाला जा सकता है, कोई भी चाहे आपको डिफिकल्ट हो मैथमेटिकली या सिंप्लीफाइड हो, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, बट ये कि भाई कि निकाला जाता है इस लॉ का यूज करके। अब एक हम लोग डिस्कस करेंगे एम्पियर्स लॉ, जो कि हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए तो यूज नहीं होता है, बट उस लॉ का यूज करके कुछ स्पेसिफिक जगह पे जहाँ पे सिमेट्री अलाउ रहती है, सिमेट्री के अकॉर्डिंग काम हो जाता है, तो वहां पे निकालना एम्पियर्स लूप लॉ का यूज करके बहुत आसान हो जाता है। तो एम्पियर्स लूप लॉ का यूज करेंगे और उसका यूज करके हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो बढ़ते हैं आगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं आगे, हमारा जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का डिस्कशन चल रहा था भाई, कि जो हमने बात करी कि बायो सावर्ट्स लॉ का यूज करके किस तरह से यहाँ पे ड्यू टू द सर्कुलर करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड द सेंटर निकाली जा सकती है। बढ़ाते हैं आप इस डिस्कशन को, और हमने ये भी कहा था कि भाई कि एम्पियर्स लूप भी एक तरीका होता है जिसका यूज करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, बट हमेशा उस लॉ का यूज करके निकाल नहीं पाते हैं, राइट। तो ये पॉइंट है, यहाँ पे फंडामेंटली जो है बायो सावर्ट्स लॉ का यूज किया जाता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए, किसी भी तरह का करंट कैरिंग वायर होगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं यूजिंग द बायो सावर्ट्स लॉ। लेकिन अब बात जो करने जा रहा हूँ मैं वो कि भाई कि आपका एम्पियर्स लॉ, क्योंकि एम्पियर्स लूप लॉ वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसके थ्रू हम लोग इनफाइनाइट सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं यहाँ पे कि भाई एम्पियर्स लूप लॉ क्या होता है। एम्पियर्स लूप लॉ ये कहता है कि लाइन इंटीग्रल, समझिए बात को, लाइन, क्लोज लाइन इंटीग्रल, ये कहलाता है क्लोज लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं डीएल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करता हूं। आप हायर लेवल पे थोड़ा जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि तीन तरह के इंटीग्रल होता है, एक लाइन इंटीग्रल होता है, एक सरफेस इंटीग्रल होता है, एक वॉल्यूम इंटीग्रल होता है। लाइन इंटीग्रल का बेसिक मतलब है कि डीएक्स, जैसे एक्स डीएक्स, इस तरह के इंटीग्रल को नॉर्मली लाइन इंटीग्रल कहा जाता है। बट वहीं पे dx इंटू डी वाई कर दे, dx एंड डी वाई और कुछ फंक्शन हो और डबल इंटीग्रल हो जाए तो सरफेस इंटीग्रल हो जाता है। तीन जो dx, dy, dz हो और ट्रिपल इंटीग्रल हो जाए तो वो वॉल्यूम इंटीग्रल हो जाएगा। लेकिन ये हमारे स्कोप में अभी नहीं है, हमारे स्कोप में केवल अभी लाइन इंटीग्रल ही है, राइट। तो क्लोज लाइन इंटीग्रल, क्लोज मतलब जहां से चल के आए वहीं पे लौट के आ जाए, राइट। ये पॉइंट है यहाँ पे, जैसे गॉस थ्योरम में करते थे क्लोज सरफेस के ऊपर, यहाँ पे लाइन के थ्रू एक क्या करेंगे, एक पाथ बना लेंगे, उसके थ्रू क्या करेंगे, करंट को इनक्लोज कर देंगे। मतलब क्या हुआ कि सपोज मान लिया जाए कि ऐसा एक हमने कोई भी पाथ बना लिया, पाथ मतलब जहां से चलाए लौट के वहीं पे है, और दो करंट इसके अंदर, दो या तीन करंट जो भी करिए आप, सपोज ये करंट आई है, ये करंट 2i है, ये करंट आपका 3i है, राइट। ये करंट कैसा है बेसिकली, कि ये करंट इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, और इसका मतलब होता है कि इनवर्ड जाना, ये करंट जो है
आउटवर्ड आ रही है और ये करंट इनवर्ड जा रही है। तो हमने क्या किया, तीन डिफरेंट करंट कैरिंग वायर है जिसमें से दो वायर को मैंने एक एम्पियर्स लूप से घेर दिया है। ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक एम्पियर्स लूप से घेर दिया गया है, दिस वन इज कॉल्ड द एम्पियर्स लूप, इसके थ्रू मैंने इसको इनक्लोज कर दिया है, लेकिन ये वाला करंट बाहर को इस एम्पियर्स लूप से, तो इसी को कहते हैं यहाँ पे क्लोज लाइन क्लोज इंटीग्रल, समझे यहां बात को, क्लोज लाइन इंटीग्रल, इसको कहते हैं एम्पियर्स लूप। ये बिल्कुल वैसी है जैसे कि आप समझे कि गॉस थ्योरम में, गॉस थ्योरम में चार्ज को घेरा जाता है यूजिंग द एक सरफेस, स्फीयर का यूज कर देते हैं, राइट। यहां पे हम लोग एक लाइन का यूज करेंगे, लाइन मतलब हो गया कि एक तरह से सर्कल हो सकता है आपका, कोई भी कर्व हो सकता है, राइट। टू डी फिगर से हम लोग करंट कैरिंग वायर को एनक्लोज करेंगे, राइट। ये पॉइंट है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे, तो ये लॉ क्या कहता है भाई कि बी डॉट डी एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू समेशन ओवर आई। समेशन ओवर आई का मतलब है जैसे वहां पे था समेशन ओवर चार्ज क्यू एनक्लोज इन द गॉसियन सरफेस, यहाँ पे था टोटल करंट एनक्लोज, जो अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट है वो एनक्लोज इन द एम्पियर्स लूप। तो यदि मैं यहाँ पे क्लोज लाइन इंटीग्रल इसके लिए निकालू तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बी डॉट डी एल की वैल्यू, सिंपल सी बात है म्यू नॉट, और टोटल करंट कितना अंदर को है, बाहर का समझे चार्ज की तरह ही लीजिए, बाहर वाला जो थ्री आई करंट इसको भूल जाइए, करंट जो इनक्लोज्ड है वो करंट आई जो इनवर्ड है, टू आई आउटवर्ड है। तो अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट यदि मैं इसको पॉजिटिव लेके काम करता हूं तो टू आई माइनस आई लिखूंगा, तो टू आई माइनस आई, आप चाहें तो इसको आप निगेटिव ले सकते हैं, इसको पॉजिटिव ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इट विल कम आउट म्यू नॉट इन टू आई, राइट। तो ये इस केस में यहां पर क्लोज लाइन इंटीगल जो आएगा बी डॉट डी एल का, डेट विल कम आउट म्यू नॉट इन टू आई। ये काफी काफी इंपॉर्टेंट लॉ है, ये ध्यान रखने वाली बात है, और इसी लॉ का यूज करके हम लोग इनफाइनाइट सोलेनोइड की वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड निकालते हैं, जो निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। यदि उसी को आप यदि बायो सावर्ट्स लॉस निकालते हैं तो उससे भी निकल जाता है, बट वो काफी डिफिकल्ट, थोड़ा मैथमेटिकल वर्किंग हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इस लॉ का यूज करके हम लोग इनफाइनाइट सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो बढ़ते हैं आगे और इनफाइनाइट सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं यूजिंग दिस लॉ, एम्पियर्स लॉ का, इसी को हम लोग यहाँ पे एम्पियर्स लॉ कहते हैं, एम्पियर्स सर्कुलर लॉ भी कहा जाता है कई दफे। अब देखिए यहाँ पे, अब इसने सोलेनोइड तो आपने देखा ही होगा, सोलेनोइड क्या होता है भाई कि क्वाइल्स है ना, जैसे एक स्ट्रेट वायर लीजिए अपने फिंगर पे ऐसे ऐसे लपेट दीजिए उसको निकाल दीजिए, तो उस लाइक की जैसे स्प्रिंग होती है उस तरह से एक क्वाइल ऐसे लपेट दिया गया और उसके थ्रू करंट फ्लो करा दिया गया, तो इनसाइड जो होगा सोलेनोइड के वो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, बाहर जो है नेग्लिजिबली स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसको हम लोग एज्यूम टू बी जीरो ले लेते हैं फॉर द आइडियल सोलेनोइड। आइडियल सोलेनोइड का क्या होता है, लेंथ जो होती है रेडियस ऑफ द सोलेनोइड के मामले काफी काफी ज्यादा होती है। सपोज लेंथ आपका लेट से आप ले लीजिए कि 25 सेंटीमीटर है सोलेनोइड का, वहीं पर रेडियस जो है लेट से 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर में 25 सेंटीमीटर एक बड़ी क्वांटिटी है, तो इट इज एज्यूम्ड दैट वो एक इनफाइनाइट सोलेनोइड है, इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनोइड है, आइडियल सोलेनोइड है। और आइडियल सोलेनोइड के केस में इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड यहां पे यूनिफॉर्म ली जाती है, एज्यूम टू बी यूनिफॉर्म है, मैं आपको बार-बार बता रहा हूं, एज्यूम टू बी यूनिफॉर्म, राइट, एज्यूम टू बी यूनिफॉर्म, एग्जैक्टली यूनिफॉर्म नहीं होता बट मिडल में जाकर के एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यदि आपको बनाना है तो सबसे अच्छा जो आपका डिवाइस है वो आपका सोलेनोइड होता है। इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपका कैपेसिटेंस इज वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज करी जाती है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग बात कर रहे हैं तो उसी के ऊपर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये आपका है, ये बन गया आपका सोलेनोइड, राइट, और इसके अंदर यही है यहां पे, और लेट से इसकी लेंथ हम लोग ले लेते हैं एल, राइट, और इसके अंदर आपका यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, राइट, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब क्या है, और बाहर मैग्नेटिक फील्ड यहां पे जीरो के इक्वल होता है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग जीरो रहते हैं, और इनसाइड हमें मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन डिराइव करना पड़ता है यूजिंग द एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ का यूज करके हम लोग यहाँ पे इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो उसी के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं। देखिए अब क्या करेंगे, इसके लिए एक एम्पियर्स लूप बना लेते हैं, एम्पियर्स लूप, समझिए बात को, ये हमारा एक एम्पियर्स लूप है, राइट, और एम्पियर्स लूप को मैं ऐसे ले लेता हूँ, कोई दिक्कत, ये मैं एरो जस्ट दिखा रहा हूं प्रोग्रेस करने के लिए। अब देखिए यहां पे हम लोग किस तरह से यहां पे एम्पियर्स लॉ लगाएंगे टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। तो एम्पियर्स लॉ ये कहता है भाई कि बी डॉट डी एल,
will be equal to mu naught into total summation of the current inside the Ampere's loop. तो अब ध्यान से सुनिए बात को, पहले मैं B dot dl के ऊपर बात करता हूं. Line integral of B dot dl, समझिए बात को, line integral of B dot dl, closed line integral. Closed line integral का मतलब क्या कि जहां से चले लौट के वहीं पे आ रहे हैं. तो देखिए यहां से P से Q गया जी, Q से R गया, R से S जा रहा है और S से P जा रहा है. तो इस लाइन इंटीग्रल को चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. चार पार्ट में कैसे, देखिए यहां पे इस क्लोज लाइन इंटीग्रल को चार पार्ट में डिवाइड कर देंगे. B डॉट dl फ्रॉम P टू Q प्लस, ध्यान दीजिएगा, प्लस हम लोग लिखेंगे B डॉट dl Q से R तक. B डॉट dl ध्यान दीजिए यहां पे Q से लेके R तक, B डॉट dl Q से R तक. फिर हम लोग R से S तक B डॉट dl लिखेंगे, तो प्लस लिखेंगे यहां पे R से लेके S तक B डॉट dl. फिर लिखेंगे यहां पे S से P तक, S से P तक B डॉट dl. समझिए बात को, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पॉइंट यहां पे क्या है कि हमें क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल लेना है, जहां से चले लौट के वहीं पे आना है. तो इसके लिए क्या किया मैंने, इस लूप का बेसिकली देखिए पी से क्यू गए है या नहीं है, तो पी से क्यू का इंटीग्रल लिया मैंने, फिर क्यू से आर का लिया, क्यू से आर का, फिर आर से एस तक, आर से एस तक, फिर एस से पी तक, एस से पी तक ले लिया. तो जहां से चले थे लौट के वहीं पे आ गए. इसका बी डॉट डीएल का जो क्लोज लाइन इंटीग्रल इस लूप के लिए होगा, हम पे इस लूप के लिए, वो चार डिफरेंट इंटीग्रल बन गया. अब एक एक करके सारी वैल्यू निकालेंगे, समझिए बात को, एक एक करके कैसे निकालेंगे. ध्यान दीजिए यहां पे बी, बी जिस डायरेक्शन देख रहे हैं, बी इस डायरेक्शन में, आप पी से क्यू का डीएल वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, समझिए बात को, बी और डीएल यहां पे सेम डायरेक्शन में है. तो ये बी डॉट डीएल सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, बी डीएल. और चूंकि फील्ड यहां पे यूनिफॉर्म है इनसाइड, तो बी इंटीग्रल के यहां पे बाहर आ जाएगा. और यदि बी इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा तो केवल डीएल पे इंटीग्रल करेंगे, तो पी से क्यू तक, तो ये लेंथ एल ऑफ द एम्पियर्स लूप आ जाएगा. ये लेंथ एल, समझिए बात को, ये लेंथ एल, ये कैपिटल एल सोलेनोइड का लेंथ है, बट ये लेंथ एल मैंने एम्पियर्स लूप का ले रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. स्मॉल एल ले लेते हैं, राइट. तो बी डॉट डीएल, समझिए बात को, मैग्नेटिक फील्ड बी इस डायरेक्शन में है, डीएल वेक्टर भी आपका इसी डायरेक्शन में है, राइट. और यदि मैग्नेटिक फील्ड बी और डीएल वेक्टर इसी डायरेक्शन में है, तो बी और डीएल के बीच एंगल जीरो हो गया, तो बी डॉट डीएल विल बी रिटन एज बी डीएल. अब बी डीएल हमने लिख दिया, चूंकि बी यहां पे कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो बी यहां पे इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा. अब केवल डीएल पे इंटीग्रेट करेंगे, तो इट इज द लेंथ ऑफ पी क्यू, जो कि एज्यूम कर लेते हैं L के इक्वल है, राइट. तो मैं यहां पे निकाल लेता हूं बेसिकली B डॉट dl, देखिए यहां पे B डॉट dl निकाल लेता हूं, समझिए बात को, P से Q तक. तो देखिए इसको B dl लिख देंगे, जैसा कि हमने डिस्कस किया, क्यों करा, क्योंकि फील्ड B और dl P से Q सेम डायरेक्शन में, तो एंगल B डॉट dl, B और dl के बीच जीरो हो गया, तो B जब यहाँ पे एंगल जीरो हो जाता है दो वेक्टर के बीच में, तो A डॉट B क्या लिखा जाता है, A भी लिखा जाता है. तो वही वाली बात है यहाँ पे, तो B डॉट dl विल रिटर्न बी डी एल, राइट. अब B एक यूनिफॉर्म फील्ड है, मैग्नीट्यूड भी यूनिफॉर्म है, डायरेक्शन यूनिफॉर्म है, इसलिए B को मैं इंटीग्रल के बाहर लिख सकता हूं और dl लिख दिया. और dl हो गया यहां से P से Q का लेंथ, सपोज L ले लेते हैं, तो इट विल बी इंटू L. तो ये वैल्यू बी डॉट डीएल की पी से क्यू क्या होगी, बी इंटू एल. अब ध्यान दीजिए क्यू से आर, क्यू से आर में बी डॉट डीएल जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए फील्ड बी और क्यू से आर डीएल, डीएल जो है परपेंडिकुलर है, डीएल का डायरेक्शन ये है, अब फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट्स व्हाई बी डॉट डीएल सिंपली जीरो. आर से एस में बाहर है ये वाला पार्ट आर से एस, और वहां पे फील्ड ही जीरो है, एज्यूम टू बी जीरो, इसलिए हम लोग कहेंगे कि बी डॉट डीएल आर से एस भी जीरो हो जाएगा. फिर बताइए एस से पी, एस से पी में बी डॉट डीएल फिर से जीरो हो जाएगा, क्योंकि बी वेक्टर इस डायरेक्शन में डीएल एस है, तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो दैट वे द क्लोज लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल विल बी सिंपली रिटन एज बी एल. मेरी बात समझ में आ रही है, बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना है. तो इस तरह से यहाँ पे फाइनली जो है ये पूरी चीज बी एल के इक्वल आ गई, तो इसको हम लोग हटा देते हैं. तो क्लोज लाइन इंटीग्रल जो हमारे पास आ गया वो बी इंटू एल के इक्वल आ गया, बी इंटू एल, वेर बी इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, एल इज द लेंथ पी क्यू.
अब इस लूप के अंदर टोटल करंट कितना एनक्लोज्ड है उसके ऊपर वर्कआउट कर लेते हैं, और वो जो म्यू नॉट इनटू समेशन ओवर आई है वो बी एल के इक्वल कर देंगे, वहां से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाए। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे करंट कितना एनक्लोज्ड है वो देख लेते हैं हम लोग, राइट। ये वाली बात यहां पे है, इसके लिए हम लोग ये देखेंगे कि कितने टोटल लूप्स, अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि आखिर क्या है ये। तो देखिए यहां पे ध्यान से समझिए मेरी बात को, लूप जो है ऐसे करके, देखिए यहां पे लूप ऐसे जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है। तो यदि करंट आई देते हैं आप लोग, इस करंट को मैं, यदि मैं इसको बाहर वाला लेता हूं तो इस करंट को मैं आई को ऐसा कर देता हूं, इसके डायरेक्शन को ऐसा ले लेता हूं। ये ध्यान दीजिएगा यहां पे, ये देखिए करंट आई ऐसे, तो ये करंट आई क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए यहां पे करंट आई, तो ऐसे करके देखिएगा यहां पे, ये वाला बाहर वाला लूप समझिए, ये बाहर वाला है करंट आई, ये ले लेते हैं, ये बाहर वाला है, फिर ये, और ये वाला जो है ना अंदर को जा रहा है लूप का, मतलब समझ में आ रहा है बात, ऐसे करके जा रही है, ध्यान से देखिए यहां पे ऐसे, मेरे फिंगर को ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके लूप जा रही है, ये समझ रहे हैं बात को, ऐसे जा रही है, ऐसे फिर ऐसे करके घूमते हुए जा रही है, ये वाला बाहर का पार्ट है लूप का, जो लूप का पार्ट है ना, तो उसका ये बाहर वाला, तो करंट ऐसे है, तो यहां से करंट एक तरह से बाहर को आ रही है, यहां से करंट, इस वाले में करंट अंदर को जा रही है। तो यदि मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा तो एक तरह से यहां से करंट बाहर को आ रही है, यहां से अंदर को जा रही है। यदि इसको थॉरली दिखाया जाए थोड़ा, तो ऐसे दिखाया जा सकता है, बाहर का करंट ये हो गया और ये जो है आपका ये वाला पार्ट आपका अंदर का है, ऐसे है, समझिए मेरी बात को, राइट। ये समझिए बात को, डॉट 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 डॉट, ये क्रॉस क्रॉस, ये डॉट मतलब करंट बाहर को आ रहा है, इसलिए फील्ड, देखिए यहां पे मैंने करंट आई का डायरेक्शन चेंज कर दिया है, इसलिए फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, राइट। तो ध्यान समझिए मेरी बात को, ये जो फील्ड है यहां पे, ये जो करंट है वो करंट बाहर को आ रही है, लूप देखिए, एक लूप ऐसा है, इस तरह से लूप है, लूप का सेक्शन देखिए, ये जो आपका क्वाइल का, जो आपका जो क्वाइल होगा उसका, देखिए ऐसे करके लूप जा रही है, तो ये ऐसे करंट आ रहा है बाहर को, तो करंट यहां से बाहर आ रहा है, यहां से करंट अंदर जा रहा है, यहां से करंट अंदर को जा रही है, तो डॉट 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 इसलिए मैंने दिखा दिया है। अब ये डॉट डॉट कई सारे इसके अंदर एनक्लोज, मैं कुछ ही दिखाया हूं यहां पे, तो डॉट डॉट इस तरह से एनक्लोज है यहां पे, पैक है यहां पे। अब मान लीजिए ऐसे टोटल नंबर ऑफ लूप्स यहां पे एन इसके अंदर एनक्लोज है, तो क्या हो जाएगा यहां पे, समेशन ओवर आई एन आई हो जाएगा, होगा ही नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू जो म्यू नोट समेशन ओवर आई, इट विल बी इक्वल टू, सिंपल सी बात है, म्यू नोट एन आई। अब यहां पे फील्ड बी जो हो जाएगा जी, ये आ जाएगा म्यू नोट एन बाय एल इनटू आई, दिस एन बाय एल इज नथिंग बट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दिस एन बाय एल इज नोन एज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दैट वे द मैग्नेटिक फील्ड बी विल कम आउट म्यू नोट एन आई, दिस वन इज द मैग्नेटिक फील्ड विच इज इन साइड द सोलेनोइड, और ये आइडियल सोलेनोइड के लिए वैलिड है, मेरी बात समझे, दिस इज वैलिड फॉर आइडियल सोलेनोइड, राइट। तो यही एक्सप्रेशन हम लोग बायोट सबार्ट्स लॉ का यूज करके निकाल सकते हैं, बट वो काफी टेडियस इफेक्ट होता है, और ये वैलिड केवल और केवल आइडियल सोलेनोइड के लिए, बार बार कह रहा हूं, एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, आई इज द करंट जो सोलेनोइड के अंदर फ्लो कर रहा है वो करंट आई है, मतलब क्वाइल का जो सोलेनोइड जो क्वाइल होगा उसमें करंट आई है, तो म्यू नॉट एन आई हो गया, राइट। और एंड पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इसकी ठीक आधी वैल्यू होती है, एंड पॉइंट पे मतलब यदि मैं इस एंड पॉइंट पे देखूंगा सोलेनोइड का, तो इसकी ठीक हाफ वैल्यू आती है म्यू नॉट एन आई बाय टू, जो कि प्रूव किया जाता है, राइट, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अभी आप ध्यान रखें, राइट। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनोइड के ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है कि मैग्नेटिक फील्ड आखिर कैसे बेसिकली आएगा यूजिंग द एम्पियर्स लॉ। अब आगे बढ़ते हैं और अगले कुछ और इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशंस हैं उसके ऊपर वर्कआउट कर लेते हैं। अब इसमें डेरिवेशन में जो आता है वो ये आता है कि भाई कि यदि दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर है तो यदि डायरेक्शन ऑफ करंट उसमें सेम होता है तो उस केस में उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और यदि यहाँ पे डायरेक्शन करंट अपोजिट होता है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होती है, और फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू जो होती है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू आई वन आई टू डिवाइड बाई डी होती है। तो देख लेते हैं उसे भी, राइट। देखिए ध्यान से समझिए बात को, देखिए ये एक वायर है और ये दूसरा वायर है, और ये लॉन्ग लेंथ के वायर है, एज्यूम टू बी के भाई की ये इनफाइनाइट वायर है, राइट। इसमें करंट आई वन जा रहा है, इसमें करंट आई टू जा रहा है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है,
ये इसमें नीचे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और ये फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाय 2I1I2/d होती है. d इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू वायर, d इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू वायर, राइट. इसी तरीके से यदि आपका दो वायर है बट उनके बीच में करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो इस केस में फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है, लेकिन फोर्स पर यूनिट लेंथ की जो मैग्नीट्यूड आती है वो यही आती है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो कंटिन्यूअसली इसके भी डेरिवेशन आती रहती है. और इसमें साथ में यही पूछा जाता है कि भाई कि यदि ये डेफिनेशन का यूज करके आप 1 एम्पियर करंट को डिफाइन कीजिए, राइट. तो इसी के ऊपर हम लोग पहले बात करते हैं, और इसको जो हम लोग डिराइव करते हैं वो ये डेरिवेशन इसके बेसिस पे होती है, एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी. समझिए बात को, फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग वायर इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी. अब मैं बी है यहां पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एल हो गया एल वेक्टर, वही जो आपका करंट कैरिंग वायर जिसके ऊपर फोर्स निकालना है, और ये स्ट्रिक्टली वैलिड तब है जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, तब जाकर के आप इसे यहां पे एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी वाली बात कर सकते हैं, राइट. तो हम लोग यहां पे अब यही करने जा रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन का यूज करके इस रिजल्ट को हम लोग यहां पे डिराइव करेंगे, राइट. तो देख लेते हैं अब यहां पे कैसे होगा जी. तो ध्यान दीजिए, समझिए बात को, ध्यान से समझिएगा बात को. अब यहां पे दो वायर आप ले लीजिए, और करंट सपोज मैं दोनों में सेम ले लेता हूं, और ये इनफाइनाइट वायर है, यहां पे हमने पहले बात करी है, करंट आई वन दूसरा करंट आई टू. अब क्या होगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड में, इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड में इसके ऊपर फोर्स लगेगा. अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड थंब रूल से दी जाती है, आप क्या करते हैं अपने थंब को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट रखते हैं और इसको कर्ल करते हैं, तो कहां जा रहा है ये थंब, बेसिकली ये अंगूठा कहां जा रहा है, बेसिकली इनवर्ड जा रहा है. तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कहां होगी जी, इनवर्ड हो गई, इनवर्ड हो गई, इनवर्ड हो गई, राइट. इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनवर्ट हो गई, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू समझिए बात को, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इस वायर की वजह से 2I1/d होगा, पर d इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू वायर्स. अब इस मैग्नेटिक फील्ड के में इस करंट कैरिंग वायर आई टू को रखा गया है, तो ये क्या है कि भाई कि हर जगह पे फील्ड की वैल्यू यही है, एक तरह से ये करंट कैरिंग वायर जो है, जो इनफाइनाइट वायर है, लॉन्ग लेंथ का वायर है, वो हर जगह पे सेम मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है, राइट. तो इसलिए वो जो एक्सप्रेशन एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी वो लगा सकते हैं. लेकिन अब ध्यान दीजिएगा यहां पे कि इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड रूल यूज करेंगे, ले कर लेंगे. एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी में राइट हैंड रूल यूज होगा आई एल क्रॉस बी के लिए. एल वेक्टर का डायरेक्शन वो होता है जिस ओर करंट फ्लो कर रहा होता है, तो इसका जो एल वेक्टर होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा. मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो समझिए बात को, आप क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड आपका इनवर्ड है, एल वेक्टर इधर है, आप अपने राइट हैंड को क्या रखेंगे, इस प्लेन के परपेंडिकुलर. ध्यान दीजिए यहाँ पे राइट हैंड रूल का यूज करके, इस देखिए यहाँ पे ये एल वेक्टर हो गया जी, ये एल वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर है यहाँ पे, ऐसे रखा आपने, आप अपने राइट हैंड को इस प्लेन के क्या रखेंगे, परपेंडिकुलर, कर्ल कीजिए, कर्ल कीजिएगा तो इधर आ रहा है, इसका तो इसके ऊपर फोर्स, इस वायर के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्ट वे हम लोग कहेंगे इस वायर के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में है फोर्स. और इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, सिंपल सी बात है, यदि इसका लेंथ एल लिया जाए तो फोर्स विल बी इक्वल टू आई टू इंटू एल इंटू बी, आई टू एल बी था क्या, बेसिकली आई एल क्रॉस बी, बट एल वेक्टर बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, देख रहे हैं एल वेक्टर इधर हो गया, बी वेक्टर ये हो गया, कि दीज टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हेंस आई एल बी साइन थीटा, थीटा ये 90 डिग्री, तो आई टू एल बी हो गया, राइट. अब बी की वैल्यू ये प्लेस कर देंगे, जब ये बी की वैल्यू प्लेस करेंगे तो एफ आ जाएगा आपका आई टू म्यू नॉट अपॉन 4π 2I1/d इंटू एल. अब एफ बाई एल क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, एफ बाई एल इट विल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π 2I1/I2/d, ये आ गया, हो गई बात. इन द सिमिलर वे अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड में इसके ऊपर फोर्स निकालेंगे, बिल्कुल सिमिलर तरीके से करेंगे, तो यही एक्सप्रेशन आएगा, और डायरेक्शन जो फोर्स का हो ये होगा यूजिंग द राइट हैंड रूल, राइट. तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग वायर निकाल सकते हैं. इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्यों, क्योंकि दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, और यही सेम तरीके से यहाँ पे जब दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट हो तो निकाला जा सकता है, और यूजिंग द राइट हैंड रूल वहां पे फोर्स ऑफ रिपल्सन आ जाता है, राइट. तो मैं समझता हूं कि जैसे मैंने आप अप्रोच इसका बताया, बिल्कुल इसी सिमिलर अप्रोच को फॉलो कीजिए और वहां पे आप रिजल्ट लेके आइए, राइट. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट,
यह बात ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अब ध्यान दीजिए कि आखिर इसका यूज करके कैसे हम लोग बताएंगे कि 1 एम्पीयर का करंट है। ध्यान दीजिएगा बात को, ध्यान समझिए बात को। अब क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितने के इक्वल होती है, 10^-7 आपको ऐसा यूनिट में। I1 I2 1 एम्पीयर लीजिए, इसमें भी 1 एम्पीयर, इसमें भी 1 एम्पीयर, तो फोर्स बाय एल विल बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू होगी 10^-7 इंटू 2 तो रहेगा ही जी, 2 इंटू I1 भी 1, I2 भी 1, 1 तो 1 इंटू 1 इज 1, और d भी 1 मीटर ले लीजिए राइट, इंटू 2 कर देते हैं, तो F by L की वैल्यू हो गई 2 × 10^-7 न्यूटन पर मीटर। मतलब क्या हो गया यहाँ पे, यदि इस वायर में 1 एम्पीयर करंट फ्लो करे, ये वायर में 1 एम्पीयर फ्लो करे करंट, इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो, तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ की वैल्यू जो आती है 2 × 10^-7 न्यूटन पर मीटर आती है। तो इसी बेसिस पे डिफाइन कर देते हैं 1 एम्पीयर करंट को, कि सपोज विल टेक टू पैरेलल वायर्स carrying the current 1 ampere each and they are separated by distance 1 meter, then the force acting between the wires, which are attractive or repulsive, per unit length will be given by 2 × 10^-7 newton per meter। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 1 ampere current को define करते हैं using this expression। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये एक्सप्रेशन है, इस बात को ध्यान में रखना है राइट। तो मेरे ख्याल से आपको सारी बातें इसकी डेफिनेटली समझ में आई होगी, जितनी इंपॉर्टेंट बातें हमने करी है। तो लेक्चर को लाइक कीजिए, लोगों को हमारे चैनल हमारे वर्क के बारे में बताते रहिए, ताकि उनको भी हमारे काम से बेनिफिट हो सके। पूरे लेक्चर को ध्यान से समझिएगा बात को राइट। और मैं ये थोड़ा सा ज्यादा और जल्दी से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी ये चीजें आपको आती हैं, मैं केवल एक जगह पे आपको समराइज कर रहा हूं कि हाँ भाई ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी वर्कआउट कर लीजिए आप राइट। तो ये पॉइंट है यहाँ पे, तो बढ़ते हैं आगे और अगले सेशन में कुछ और जो इसका आगे का डेरिवेशंस हैं उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। हमारा जो चैनल है, जो आइंस्टाइन क्लासेस का जो चैनल है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए कि सर्च बार में जाइए और वहां पे आप आइंस्टाइन क्लासेस टाइप कीजिए। जब आइंस्टाइन क्लासेस आप टाइप करेंगे तो उस केस में आपके सामने जो है ये आ गया आपका राइट, ये देख रहे हैं आइंस्टाइन क्लासेस, इसको आप क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करते ही आप डायरेक्टली जो है हमारे होम पेज पे पहुंच जाएंगे। ये देख रहे हैं आप, होम पेज हमारा आइंस्टाइन क्लासेस का, इसमें काफी कुछ आपके लिए है मटेरियल और आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए, जिसका आप डेफिनेटली यूज कीजिए। लाइक जैसे देखिए IIT JEE मेन्स एंड एडवांस फिजिक्स का आप देख रहे हैं, फिर इसके बाद आप देख सकते हैं मैथ्स का केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर, हाउ टू प्रिपेयर JEE के लिए, देन इसके बाद आप देख रहे हैं ये JEE मेन एडवांस के लिए शॉर्टकट दिए गए हैं, फिर JEE मेन एडवांस के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन मैथ्स का डेफिनेट इंटीग्रेशन है, बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो आपके लिए बनाए गए हैं। नीट PMT की प्रिपरेशन यदि कोई कर रहा है तो उसका भी हमने वीडियो लेक्चर कई सारे बना रखा है, तो उसको आप देख सकते हैं। फिर क्लास 12th के लिए मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह के लिए जो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर CBSE, ये सारा कुछ है, मैट्रिक्स का चैप्टर है, ये सब आप देखिए, डिटरमिनेंट देखिए, कई सारे चैप्टर्स हैं। इसी तरह से क्लास 12th का एक अलग सेक्शन बना हुआ है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं हर सब्जेक्ट के, वो आप देख सकते हैं। फिर क्लास 11th जो देखिए, क्लास 11th का आप देख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन फिजिक्स काइनेमेटिक्स वगैरह बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर क्लास 10th का है कैट MBA प्रिपरेशन के लिए भी है। इस तरह से आपको कई सारे डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे वीडियो लेक्चर्स कई सारे सब्जेक्ट्स को आपको मिल जाएंगे जो कि आपके पढ़ाई के लिए सपोर्ट कर सकता है। तो डेफिनेटली आप इसका यूज कीजिए राइट, और दूसरों को बताइए इस चैनल के बारे में ताकि वो भी उसका बेनिफिट ले सकें राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।